वेल हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज हम हमारे वर्ल्ड रक्कू की दुनिया में एक नया घर बनाएंगे। नया घर? जी हाँ, नया घर। तो पिछले एपिसोड में हमको बहुत मेहनत करने के बाद एक विलेज मिला और आज हम इस विलेज के आसपास हमारा एक आलीशान घर बनाएंगे। तो आज बहुत मेहनत होने वाली है क्योंकि मेहनत करने वालों की होती नहीं हार। तो विलेज के पास ये जगह मुझे बहुत बढ़िया लग रही है और ये जगह बहुत बड़ी भी है, तो यहाँ पे घर बनाना बिल्कुल परफेक्ट होगा। मेरा इन्वेंटरी तो एकदम कचरे से भरपूर हो चुका है यार, तो पहले मैं इन सब चीज़ों को एक चेस्ट में यहीं कहीं स्टोर कर देता हूँ। तो चलो चलते हैं, पहले स्टोर कर लेते हैं इन सब चीज़ों को यहीं कहीं आसपास। ये जगह ठीक लग रहा है। इस चेस्ट को मैं यहाँ रख लेता हूँ। जो जो चीज़ काम की नहीं है मैं फटाफट से रख लेता हूँ इस चेस्ट के अंदर। फालतू का सामान जल्दी से जल्दी मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। हमें इन्वेंट्री में अच्छा खासा खाली स्पेस चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारे लकड़ी की ज़रूरत होने वाली है इस घर को बनाने के लिए, तो इन्वेंट्री खाली करना ज़रूरी मांगता है। तो चलो चलते हैं लकड़ी इकट्ठा करने हमारे घर के लिए। वेट वेट वेट, आप लोग पेड़ मत काटना यार, एनवायरमेंट के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप लोग मिस्टर बीस्ट की तरह पेड़ पौधे लगाया करो यार। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, आज तो बहुत मेहनत लगने वाली है। थारा भाई आज इतना लकड़ी तोड़ेगा किसी ने सोची ना होगी। तो चलो गाइस, मैं फटाफट से बहुत सारे लॉक्स को इकट्ठा कर लेता हूँ। वो बहुत मेहनत लगी यार, आधा जंगल को ही नंगा कर दिया लकड़ी काट काट के। तो चलो, रात अभी होने ही वाला है और यहाँ पे मैं बेड रखता हूँ और सो जाता हूँ। तो मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। तो सुबह हो गई, जल्दी से चलते हैं हमारे घर बनाने के लिए। सो गाइस, पहले मैं घर बनाने के लिए यहाँ से प्लैंक्स लगाना शुरू कर देता हूँ। 1, 2, 3, 8, 9, 11, 29, 32, 29, 99, छोड़ो यार गिनती नहीं आता मुझे। तो हम एक फ्री स्टाइल घर बनाने वाले हैं, जस्ट देखो यार। तो घर के हर कोने में हमें लकड़ी को कुछ इस तरह से तोड़ लेनी है और यहाँ पे हमें लॉग लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें घर के चारों ओर प्लैंक्स तोड़ के लॉक्स को कुछ इस तरह से लगा लेना है, क्योंकि घर के चारों ओर लॉक्स लगाने पर घर का सुंदरता उभर के आती है। तो अभी हम घर के चारों ओर पिलर बनाएंगे इस लॉक के हेल्प से। 1, 2, 3, 4, 72, अरे यार फिर से गलत गिनती हो गई। वैसे इस बार मैंने 4 तक गिनती कर ली थी यार, छोड़ो। जल्दी से मैं चारों ओर पिलर बना लेता हूँ। तो घर बनाते बनाते अभी बहुत रात हो चुकी है, तो मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए क्योंकि ज़ॉम्बी कभी भी आ सकते हैं। तो चलो मैं सोने चला, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी घर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आज हम घर के चारों ओर वॉल खड़ा करेंगे। तो घर के चारों ओर वॉल बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्लैंक्स चाहिए। तो फटाफट से हम लोग हमारे जादू मंत्र वाले क्राफ्टिंग टेबल से बहुत सारे प्लैंक्स बना लेते हैं। तो ये रहा लॉग और इससे मैं बनाऊंगा बहुत सारे प्लैंक्स, मतलब काफी ज्यादा चाहिए यार, क्योंकि हम प्लैंक से ही वॉल को खड़ा करेंगे जिससे कि हमारा हाउस बहुत सुंदर दिखेगा। तो घर के दीवार को हमने कम्प्लीटली बना लिया है और ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है, और मैं इसको ऊपर से भी प्लैंक से कवर कर लेता हूं।
तो मुझे थोड़ा हमारा घर का एंट्रेंस बहुत सिंपल लग रहा है, तो इसे मैं फटाफट से तोड़ के यहाँ पे लॉक्स लगा देता हूँ ताकि घर के एंट्रेंस बहुत सुंदर दिखे। तो इसको भी मैं फटाफट से लगा देता हूँ। घर के अंदर तो काफी अंधेरा है, तो मैं फटाफट से टॉर्च भी लगा देता हूँ। तो ये रहा एक इधर और दूसरा वाला लगा दिया मैं इधर। गाइस, घर के अंदर अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो सब कुछ हम धीरे धीरे कर लेंगे। तो अभी हम हमारे घर के लिए दरवाजे बनाएंगे ताकि हमारे घर के अंदर कोई ज़ॉम्बी वगैरह ना आ सके। और उसके बाद हमें चाहिए कुछ सीढ़ियाँ ताकि हम घर के ऊपर जा सकें। तो सब कुछ रेडी हो गया, मैं फटाफट से सब कुछ लगा लेता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे दरवाजा लगा लेता हूँ। तो घर अभी कुछ इस प्रकार लग रहा है, तो चलो चलते हैं जल्दी सीढ़ियाँ भी लगा लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ से टॉर्च को तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ से हम सीढ़ियाँ लगाना शुरू करेंगे। रुको एक मिनट, काफी अंधेरा हो गया, यहाँ पे मैं एक टॉर्च लगा लेता हूँ। तो चलिए घर के लिए सीढ़ी बनाना तैयारी करते हैं। तो मैं घर के ऊपर आ चुका हूँ और बहुत बारिश भी हो रहा है, लेकिन घर का काम चालू है। क्या यार, मैं यहाँ पे भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। एनीवेज, आज जैसे भी हो घर का हम बना के ही रहेंगे। तो मैं घर के ऊपर भी चारों ओर पिलर खड़ा कर लेता हूँ। तो हमारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। अभी कुछ घर के अंदर जरूरी चीजें रख लेता हूं। यहां पे रख लेंगे एक बेड और क्राफ्टिंग टेबल भी यहीं कहीं रख लेते हैं। हाँ, इस कोने में रख लेता हूं। बस हो गया, और क्या रखना है घर के अंदर? अरे हाँ, एक चेस्ट भी तो चाहिए मुझे। तो मैं यहां पे इस क्राफ्टिंग टेबल के पास दो चेस्ट को मिला के एक लार्ज चेस्ट रख लेता हूँ। और घर के ये वाला कोना भी थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ पे भी एक चेस्ट रख लेता हूँ। तो सारा सामान रख लिया मैंने बढ़िया तरीका से। और ये बकरी यहाँ क्या कर रहा है? गृह प्रवेश हुआ ही नहीं, चलाया घर के अंदर घुसने। चल भाग जा यहाँ से। तो मैं सोच रहा था हम हमारे घर में ग्लास लगाएंगे, और ग्लास बनाने के लिए हमें बहुत सारे सेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें मिल चुका है। तो फटाफट से चलते हैं सेंट को कलेक्ट करने के लिए नीचे। ये रहा सैंड्स, और अभी शाम होने ही वाला है, तो मुझे अभी जल्दी से कलेक्ट करके इसको घर की ओर जाना चाहिए। तो यहां पे मैं रख लेता हूं फर्नेस, और सैंड को स्मेल्ट करने के लिए हमको चाहिए कोयला। तो नीचे रख लेता हूं मैं कोल, और ऊपर रख लेता हूं मैं सैंड्स। तो अभी हम इसको स्मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ देर के बाद ग्लास बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा होम स्वीट होम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो रेडी हो ना आप लोग। 3 2 1 टैन टैन। तो कैसा लग रहा है? ये क्रीपर यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बिल्कुल मेरा घर बर्बाद करने चक्कर में है। ये ले, फटना मत, फटना मत, बिल्कुल फटना मत। अबे मर जा, मर जा, अबे मर जा क्रीपर के बच्चे। मर गया। ओह, बाल बाल बचा यार, वरना ये तो सब कुछ तहस नहस ही कर देता। तो चलो, ग्लास अभी रेडी हो ही चुका होगा, और जहां जहां पे मुझे ग्लास लगाना है मैं प्लैक्स को तोड़ देता हूँ। यहाँ पे भी तोड़ देता हूँ। तो ऊपर वाले घर में यहाँ पे भी ग्लास लगाना है, तो चलो अभी चलते हैं घर के अंदर। तो इस वाले साइड में भी दो ग्लास लगा लेंगे हम। वाह, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलो चलते हैं नीचे, ग्लास बन के अभी रेडी भी हो चुका होगा।
बिल्कुल रेडी, 15 ग्लास रेडी। तो लगा लेते हैं हम यहाँ और उस साइड में भी लगा लेते हैं। तो चलो ऊपर ऊपर भी लगा लेते हैं हम, 1 2 और बाहर वाले साइड में भी लगा लेते हैं हम ग्लास, 1 2। सो फाइनली हमारा घर बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो चलो चलते हैं नीचे और देखते हैं हमारा घर किस तरह दिख रहा है। वाह क्या लग रहा है यार घर। सो गाइस आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक नए एपिसोड में।